नमः शिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास अमावस्या तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में शाम 4:45 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर शरीर वाले, मृदु बोलने वाले, धनवान, मेधावी और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक सौम्य स्वभाव वाले, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी, कला, नाटक तथा संगीत में रुचि रखने वाले, सार्वजनिक उत्सव में लोकप्रिय, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने वाले और स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक अति उत्साहित, महत्वाकांक्षी, माता का स्नेह पाने वाले और प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र और चंद्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन वृष राशि में ही चलते रहेंगे। आज के दिन चंद्रमा अस्त रहते हैं, अतः जिन जातकों के कारक ग्रह चंद्रमा होंगे ऐसे जातक प्रभावित होते रहेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए धन लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। वाणी की सौम्यता और वाक्पटुता में वृद्धि होगी। मानसिक सुकून और माता के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है। आपकी सक्रियता और प्रबल उत्साह की प्रवृत्ति हर काम में सफलता दिलाएगी। हालांकि कुछ कामों में अनावश्यक रुकावट या विवाद की संभावना बनती है, मगर अधिकारियों के सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्य योजनाओं का विस्तार होता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पिछले दिनों की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए आपके रचनात्मक प्रयास चलते रहेंगे और अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे और व्यवसाय संबंधी प्रतियोगी भावना आपके अंदर भी विकसित होगी, जो कि कार्य क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। व्यावसायिक विकास में आपकी सकारात्मक पहल कायम रहेगी, जिसका लाभ भी आपको मिलता जाएगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। पारिवारिक प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा, मगर कुछ कार्यों में थोड़ा विलम्ब का संकेत मिलता है। बृहस्पति और बुध की प्रेरणा से कार्य पूरे होते जाएंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके मेहनत की सार्थकता सिद्ध होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि वाले जातकों के आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रति चिंता बढ़ सकती है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में दृढ़ विश्वास बना रहेगा, जो कि आपकी दक्षता को बढ़ाने का काम करेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर विवादित मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, मगर सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा और संबंधित मामलों में निवेश संभावित है। नई कार्य योजनाओं के विस्तार में मदद मिलेगी और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। कुछ मामलों में भाग्यवश लाभ के संकेत मिलते हैं, मगर कुछ मामलों में आपकी सार्थक पहल कमजोर पड़ सकती है, मगर संतान संबंधी सहूलियतें बनी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा और भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए सहयोग जारी है, मगर कुछ मामलों में सावधानी अपेक्षित है। मित्र व सहयोगियों से भी आर्थिक लाभ की उम्मीद बनती है। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे, जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे। बुध का आपकी राशि से 10वें भाव में चलना स्वास्थ्य संबंधी सुदृढ़ता और व्यापारिक उन्नति का संकेत देता है। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है।
तुला राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल में कमी का अंदेशा बनता है। अमावस्या का असर आज कायम रहेगा। आपकी कार्य योजनाएं बाधित हो सकती हैं। विवादित मामलों का निपटारा आज के लिए उचित नहीं होगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास संभावित है। नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी, हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के रुके हुए काम संपन्न होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। अमावस्या के होने के कारण व्यवहारिक तौर पर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, मगर कार्य क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कार्य योजनाओं में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन उचित होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी, मगर मन में एकांत प्रियता और शांत माहौल में रहने की प्रवृत्ति में विकास होगा। अनावश्यक धन खर्च की स्थिति सामने आ सकती है। खुश और प्रसन्न रहने की मनोवृत्ति में कमी आएगी। हालांकि कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्यतया बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में भी शामिल हो सकते हैं और रचनात्मक प्रयासों में मदद मिलेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में गति आएगी और संबंधित मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों का सानिध्य शामिल होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर बुध के छठवें भाव में और शुक्र के राहु के साथ चलने से कुछ मामलों में धन की आवश्यकता, सक्रियता में कमी, कार्यों में बाधा और व्यावसायिक योजनाओं में उतार चढ़ाव संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। निजी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों में चल रहे प्रयास सफल होंगे, मगर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। पहले की चली आ रही योजनाओं में रुकावट या विवाद की संभावना बनती है, मगर अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा, मगर दृढ़ विश्वास और सार्थक पहल में कमी की संभावना बनती है। हालांकि चंद्रमा उच्च के हैं, साथ में अमावस्या का असर भी है। आपके थोड़े से प्रयास से रुकते हुए काम बन सकते हैं, मगर सावधानी अपेक्षित है। योजनाएं बाधित हो सकती हैं। हालांकि आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। निजी निवेश लाभकारी रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।